हेलो भाई। हाय, क्या नाम है आपका? प्रॉब्लम हुई बाकी टेस्ट जो है आपको पता है, स्पाइसेस, नमक, वो सब अपने हर बंदे के हिसाब से वेरी करता है। फाइनली ब्लॉसम स्टे के इस कैफेटेरिया में हम लोग आ गए हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये स्पेस है। इसमें दोनों पीजी का इनके जो स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट हैं, ये इसमें बैठ के पूरा अपना भोजन वगैरह करते हैं और चाय पानी करते हैं। आप ये पीछे देखिए, पहले ये काफी एक नया मुझे क्रिएटिव लगा। तो अपूर्व भाई, हमने वेंडिंग मशीन लगाई है। हाँ। ये स्टूडेंट्स के कंफर्ट के लिए लगाई है। हाँ। कि स्टूडेंट्स रात को पढ़ाई करते हैं। हाँ, या तो, कुछ भी। हाँ। तो वो रात को यहाँ आके चीजें यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। पैसे वगैरह कैसे? सारा यूपीआई से होता है। यहाँ पे जो भी आपको चीजें लेनी है, यहाँ पे यूपीआई बार कोड आई थिंक आता होगा। बार कोड से आप स्कैन करके और इसमें से जो भी आप रात में यूज करते हैं वो कर सकते हैं। टेबल टेनिस वाला भी देख रहा है फॉर्मेट जी। तो ब्रेक के टाइम थोड़ा खेल भी जरूरी है। जरूरी है। अपूर्व भाई, ये एक किलोमीटर के आसपास है बत्रा से। ये बत्रा सिनेमा से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। तो करीब आपको 10 मिनट के आसपास लगता होगा। अगर आपकी बाइक है तो 5 मिनट में आप पहुंच जाते हैं। जी जी, थोड़ा सा उतना दूर है। और नॉर्थ कैंपस जो DU के स्टूडेंट है उनके लिए आई थिंक 2.5 किलोमीटर है ना? ऐसा ही। तो उसमें करीब 10 मिनट आपको लग जाएगा। तो चलिए ऊपर चल के रूम दिखाता हूँ। तो हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच चुके हैं। सामने आप देखो CCTV लगा हुआ है, यानी सेफ्टी सिक्योरिटी का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। तो भाई ये एक्टिव है जी। ओके, ये वाईफाई लगे हुए हैं। वाईफाई हर फ्लोर? हाँ, हर फ्लोर पे वाईफाई है। अच्छा, फाइनली आप देख रहे हो ये फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पे कि दो रूम आपको दिख रहा है, ये और ये रूम। और ये जो स्पेस आप देख रहे हो इतना, यहाँ पे ये दोनों, ये जो दो रूम में रह रहे हैं वो इसे एक्सेस करते हैं। यहाँ पे सोफा टेबल लगा है, आप आराम से बैठ के बाहर अपना मैगजीन्स वगैरह पढ़ सकते हो, चाय पानी कर सकते हो, इसमें अपने सामान रख सकते हो। यहाँ आप देख लें कर्टन जो लगा हुआ है, यहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर। ये वॉशरूम है, या आप वॉशरूम है, काफी स्पेसियस है। तो ये जो वॉशरूम है इस रूम का है, भाई ने बताया, पूर्व भाई ने। तो चलिए देखते हैं इसमें एक कोई एस्पिरेंट अगर हो तो बात करते हैं, उनसे रिव्यू लेते हैं कि ओवरऑल हम तो आपको बता रहे हैं लेकिन उनका एक्सपीरियंस क्या है, इसमें रहते हुए कैसा लग रहा है उन्हें, कोई दिक्कत तो नहीं, या फिर पेमेंट वगैरह कहीं लेन देन में कहीं ट्रांसपेरेंसी है नहीं है। तो चलिए देखते हैं। हेलो भाई, क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम पीयूष है। पीयूष जी, थोड़ा सा इस PG का मुझे रिव्यू चाहिए था एक्चुअली। आप कब से रह रहे हो यहाँ? मेरे को 2 साल हो गए। 2 साल से? तो कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा है, काफी अच्छा है। सही रेंट है, खाना भी अच्छा है, क्लीनिंग वगैरह है, लॉन्ड्री वगैरह की व्यवस्था है। ये टेबल मिलती है, वो टेबल मिली है, बेडशीट्स मिलती है, गद्दे मिलते हैं और तकिए मिलते हैं। और ये AC जो लगा है? AC लगा है और सब चीज हीटर है। अच्छा, हीटर भी मिलता है। हाँ। अगर मैं डायरेक्ट बात करूँ, यहाँ पे हम जब बाहर आते हैं घर से तो यहाँ पे जो भी होता है ओनर ही अपना होता है, तो ओनर का बिहेव कैसा है? बढ़िया बिहेव है एकदम, कोई दिक्कत नहीं होती है। कंप्लेन होती है जो एक दिन में सॉल्व हो जाती है और इतना कोई प्रॉब्लम वाली कोई बात है नहीं। खाने में कोई दिक्कत? नहीं नहीं, कोई खाने में। मेनू अगर कुछ याद हो, रिपीटेशन होता है डेली या फिर वीकली रिपीट होते हैं? नहीं, वीकली चेंज होते रहते हैं मेन्यू। मतलब बताएंगे क्या क्या मिलता है? हाँ, जैसे कल इडली मिली थी, आज गट्टे की सब्जी और रोटी मिली थी, रात को दाल मखनी थी, और सुबह आज सैंडविच थे तो कल पराठे होंगे, और कल पराठे थे, पराठे भी मतलब आलू के, गोभी के, अलग अलग। एक हफ्ता में आपको चेंज होता रहेगा, अगर वो रिपीट होगा तो अगले वीक में होगा। अगले वीक में भी रिपीट होगा तो अगले वीक में होगा, वो भी मोस्टली नहीं होता है क्योंकि मतलब 2 वीक तक तो है ही। नहीं नहीं, 2 वीक तक तो अलग अलग चलता रहता है। हाँ, फिर 2 वीक बाद वापस रिपीट हो जाए। तो भाई आप पढ़ाई करते हैं क्या? नहीं सर, मैं एज अ प्रॉपर्टी मैनेजर यहाँ इस बिल्डिंग में हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे सारे लोग को मैनेज करते हैं? जी सर। तो अभी पढ़ भी रहे थे? वो काफी टैलेंट्स के साथ काफी मेलजोल रहता है इस वजह से। तो यहाँ पे अगर मैं जानना चाहूँ कि क्या दिक्कत आती है ज्यादातर स्टूडेंट के बीच में जो आप सॉल्व करते हैं? सर, मोस्टली जो होता है वो आपका डेली रूटीन से रिलेटेड होते हैं, जैसे पानी का हो गया, तो काफी टाइम ऐसा होता है क्योंकि अब सर्दियां हैं तो गीजर की प्रॉब्लम आ जाती है कभी, मतलब जो भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आपसे आके शेयर करते हैं? जी, वो मेरे को कंप्लेन करते हैं, मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ उसको रिजॉल्व करा। कितने दिन में करवाते हैं?
पर डे ये चीजें होती हैं, तो जिस डे होती है उसी दिन हम लोग इसको रिजोल्व करा देते हैं। क्योंकि वो लड़के ये दोनों रहते हैं इस पीजी में या फिर सेपरेट है? ये वाला जो पीजी आपको धीरपुर सिग्नेचर मिलेगा, ये कोलिविंग है, और साथ वाला जो पीजी है वो धीरपुर मेन पीजी है हमारा, जो बॉयज होता है ओनली बॉयज, दूसरे वाले इसमें दोनों रहते हैं, इसमें दोनों रहते हैं। ठीक है सर, चलिए वो वाली पीजी भी इनके देखते हैं। पहले तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रेशर आपके ऊपर रहता है। तो चलिए वो वाली पीजी भी देखते हैं कि वो कैसा है। ये हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है। अच्छा, तो मतलब जब तक सिर्फ आप ही, हर बंदे का है? नहीं, जो यहाँ रह रहे हैं वो यहाँ से उनको कार्ड दिया जाता है, तो ये एक्सेस कार्ड मशीन है। ओके, ओके। राइट, जिनके पास वो कार्ड होगा वही एंट्री ले पाएंगे। अच्छा, और इससे सिक्योर ओके, सेफ्टी सिक्योरिटी के मामले में कोई कम्प्रोमाइज यहाँ पे नहीं है। तो आप देख सकते हैं एंट्री हो या एग्जिट हो वही कर सकता है जिसके पास वो कार्ड होगा, या फिर जो यहाँ पे अलाउ होगा बंदा वो जा सकता है, क्योंकि पीछे भाई जो बताया था ऊपर तो वो सब यही सब कुछ देखते हैं। तो हम ये सेकेंड पीजी में आ गए इनके, यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं ये पार्किंग एरिया क्या है? हाँ, ये बाइक पार्किंग एरिया है। ओके, ये ओनली बॉयज वाली पीजी है? हाँ। और ये किचन भी यहीं पे है क्या? हाँ जी, ये किचन हमारे सारे पीजी को सप्लाई करती है, जो नॉर्थ कैंपस में भी है। अच्छा, वो भी यहीं से खाना बनता है। ओके, ओके। राइट, तो आप ये पीछे देख रहे हैं यहाँ पे इतना बड़ा किचन है मुखर्जी नगर में, तो इसमें दो रूम आपको बना के दे दिया जाता है 6,000 में। तो आना थोड़ा एक मिनट। तो भाई क्या नाम है तुम्हारा? नंद किशोर यादव। नंद किशोर जी, तब कैसा, पहले आपको कब से काम कर रहे हो आप? 2015 से। 2015, यानी काफी टाइम से आप हो। क्या क्या बनाते हो आप डेली? पर डे अलग अलग मेन्यू के अनुसार से बनते हैं। कुछ याद है? हाँ, जैसे शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, छोले भटूरे, चनी दाल। तो आज क्या बनाया था? आज भी दाल मखनी बन रहा है। दाल मखनी। मैं एक पूछना चाहूंगा, क्वालिटी कैसी यहाँ पे खाने की रहती है? अच्छी क्वालिटी है। ब्रांडेड सामान आता है कि या मिक्स मैच वाला? नहीं, ब्रांडेड आता है। पक्का ओनर है इसलिए तो नहीं बोल रहे? नहीं, अच्छी आता है, देख लो रखा हुआ है। आप ये पीछे देख सकते हैं सारे यहाँ पे बना रहे हैं लोग। करीब कितने बच्चों का आज खाना बनाया आपने? 200 लोगों का। 200 लोगों का। तो सिर्फ इस पीजी में रहते हैं, बाहर भी? बाहर भी, दूसरे पीजी में भी जा रहा है खाना बनाकर। चलिए ठीक है, और चल के ऊपर देखते हैं। ये तो कुक भाई है जो कि यहाँ पे अपने खाने वगैरह बनाते हैं। यहाँ पे क्या है कि दो पीजी तो हैं इनकी, साथ में नॉर्थ कैंपस में आई थिंक आपको डिलीवर। हाँ, कमला नगर और शक्ति नगर, रूप नगर। अच्छा अच्छा, है तो वो सारा आप ही यहाँ से सप्लाई? हाँ, तो उन्होंने कॉन्टेक्ट किया था आपसे? ओके ओके, चलिए ऊपर चल के देखते हैं। तो ये हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, ये दोनों साइड आपको रूम मिलेंगे। तो ये अपूर्व भाई, ये सिंगल रूम है डबल शेयरिंग? ये सारे इस बिल्डिंग में 36 रूम्स हैं, और 36 सिंगल रूम्स विद अटैच वॉशरूम है। तो सेकंड फ्लोर पे है, हर फ्लोर पे आप देखेंगे जैसे 205 है, मतलब दूसरा फ्लोर है, नीचे था 105 तो वो पहला फ्लोर, ऐसे ही फ्लोर वाइज है। तो चलते हैं बात करते हैं कि कुछ अगर एस्पिरेंट रहते हैं तो उनका ओपिनियन देखते हैं कि क्या उनका एक्सपीरियंस है इस पीजी के साथ। हेलो भाई, इस एक्चुअली थोड़ा सा पीजी का मुझे रिव्यू चाहिए था, ओपिनियन चाहिए था कि कैसा आपका एक्सपीरियंस है इस पीजी के साथ। पीजी का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है, खास करके खाने के, अगर खाने की बात की जाए, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, खाना हेल्दी और टेस्टी है। क्या मिलता है आपको डेली? डेली सप्ताह में एक बार पूड़ी, छोले भटूरे ये सब रहते हैं, बाकी दिन सादा खाना। आप क्या करते हो यहाँ पे? मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, एमए की पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, डीयू। तो कौन सा कॉलेज है आपको? मेरा जीआरएस है, डिपार्टमेंट ऑफ। कितने टाइम से एसपीजी में आप? मेरा तो 3 महीना हुआ। 3 महीना हो गया? 3 महीने, नवंबर में शिफ्ट किया। ओके, मतलब इतने टाइम में आपको कोई यहाँ पे दिक्कत फील नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। मैं ये जानना चाहूंगा, जब आप घर से यहाँ पे आते हो तो जो भी होता है ओनर ही मतलब मेन होता है, कि अपना गार्जियन समझो उसको, चाहे बड़े भाई समझो, कुछ भी समझो, ओनर की ही जिम्मेदारी होती है। तो ओनर का बिहेव कैसा है आपके प्रति? अच्छा है, बहुत अच्छा है, जैसा रहना चाहिए वैसा है। तो कभी अगर 1 महीने में रेंट वगैरह नहीं दे पाते हैं, थोड़ा लेट हो जाता है 10 दिन 20 दिन, तो क्या वो कहते हैं कि निकल जाओ, चाहे कुछ ऐसा दिक्कत? मैं तो रेंट अपना मतलब 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में रेंट भरना होता है, तो मैं तो हर महीने के 3 तारीख को रेंट भर देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और सामने से बोलते भी नहीं है कि आपको 1 तारीख को ही भरना है। अच्छा, कोई अगर प्रॉब्लम होती है जैसे कि लाइट नहीं है आ रही है प्रॉपर, या फिर कुछ दिक्कत होता है, वेंटिलेशन अगर सही से नहीं हो रहा है, गीजर वगैरह काम नहीं कर रहा है, तो जब आप कंप्लेन करते हैं तो
तो कितने दिन में वो सब शॉर्ट आउट होता है? अभी तक तो ऐसा कोई अप्लायंस का दिक्कत आया नहीं है, आएगा तो मैं देखूंगा कैसा प्रोसेस होता है उसका कुछ। ओके ओके, मतलब खाना ठीक है ना? खाना रेंट कितना दे रहे हो आप? मैं, मेरा सिंगल प्राइवेट रूम है तो मैं, मेरा 15,000 होता है। 15,000 आप दे रहे हो, ठीक है। थोड़ा इनके रूम को दिखा दो पहले। यहाँ पे मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, ये इनको एक कबर्ड मिला है, लाइट है प्रॉपर, फैन, ये वॉशरूम इनका अटैच्ड है, और यहाँ पे ये स्टडी टेबल लगा रखा है, और यहाँ पे ये सारी बुक्स लगा के रखे हुए हैं। तो प्रॉपर एक स्पेस आपको मिला है, अगर आप सिंगल रहते हैं तो आपके लिए इनफ है इतना। तो आना कैमरामैन भाई, एक और रिव्यू करते हैं किसी स्टूडेंट से। ये 204 नंबर है। हेलो भाई। हाय, क्या नाम है आपका? सुमित। सुमित जी, इस पीजी का मुझे रिव्यू चाहिए, ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए, जो आपको फील होता है वैसा ही। तो आप बताएं, यहाँ पे आप किसकी तैयारी कर रहे हो? मैं इस प्रिपरेशन यूपीएससी कर रहा हूँ, सिविल सर्विसेज की। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा थर्ड। थर्ड है। तो इस पीजी के साथ कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और कब से रह रहे हो आप? नहीं, मैं यहाँ पे काफी समय से रह रहा हूँ, अराउंड फ्रॉम 5 years। मैंने अपना कॉलेज भी यहीं से किया है, यहीं पे रहते हुए। मेरा रिव्यू बहुत अच्छा है, फूड वगैरह सपोर्ट काफी है स्टाफ का। जैसे अगर इन केस आपको कोई इशू थोड़ा बहुत हो जाता है, फैन का होता ही है, वो तो होता ही, आप रह रहे हो घर में भी होते हैं, तो आप ऐप है, ऐप पे कर सकते हो। बहुत इनोवेटिव आइडिया है, अभी तक नहीं यूज किया था। और नीचे स्टाफ से बात कर, जिसको ऐप चलाना ना आता हो वो क्या करे, वो नीचे स्टाफ से कर सकता, कह सकता है ना? हाँ जी। Okay. स्टाफ हमेशा प्रेजेंट रहता है यहाँ पे 24/7। सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करें तो स्टूडेंट को ये भी मैंडेटरी होता है, तो उसका क्या रोल है? नीचे सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, ठीक है, और गेट बंद रहता है, किसी को कोई ऐसा नहीं है कि बाहर के बंदे को एक्सेस है कि कोई भी ऐसे घुसाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा सेफ है, सीसीटीवी लगे हुए हैं, इवन जो नीचे लाइट्स वगैरह है वो ऑटोमेटेड है, कि अंधेरा वगैरह बंदे को ना पता हो किसी को कि कहाँ से ऑन होंगे स्विचेस वगैरह, उसके लिए भी अपना आराम से कर सकता है। पढ़ते टाइम हल्ला शोर ऐसा कुछ मुझे कभी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत कभी हो जाता है। वो तो कभी किसी का जैसे बर्थडे है तो थोड़ा सा, वो तो आपस ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। हाँ जी, 5-10 मिनट के लिए कुछ हुआ थोड़ा बहुत, और अगर इन केस किसी दिन बहुत ज्यादा कुछ हो रहा है, उस दिन आता तो आप डायरेक्ट बात कर लो उस बंदे से या फिर कंप्लेंट डाल, ठीक है। ऐसा कभी हुआ नहीं अभी तक? नहीं, मेरे साथ कभी ऐसा कभी कुछ नहीं, और मेरे इतना समय हो गया है, कभी ये लेकिन उसके लिए बेनिफिशियल होगा। अच्छा भी वही है। जी हाँ, तो थोड़ा सा मुखर्जी नगर से डिस्टेंस बताएंगे आप, बत्रा से कितना है? बत्रा से 800 मीटर। आप डेली जाते हो वहाँ? नहीं, मैं डेली नहीं जाता हूँ, जब काम पड़ता है जरूर जाता हूँ, और पैदल भी जा सकते हैं आप, रिक्शा भी अवेलेबल है बाहर से, ऑटो रिक्शा वगैरह आप कैसे भी जा सकते हैं। इस पूरे पीजी में मेजोरिटी किस एग्जाम के है, या फिर कॉलेज वाले स्टूडेंट है या फिर प्रिपरेशन वाले? तीनों बराबर है। हाँ जी, कॉलेज वाले बच्चे भी हैं, प्रिपरेशन वाले ज्यादा है ऑफ कोर्स, क्योंकि जो आप पास में डॉक्टर मुखर्जी नगर है तो प्रिपरेशन वाले बच्चे थोड़ा ज्यादा है, इवन यूपीएससी वाले ज्यादा है। अच्छा अच्छा, चलिए सर, विश ऑल द बेस्ट आपके लिए। थैंक यू भैया। सो हेलो भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है। एक ऐप मिलती है आपको यहाँ पे, आप जो भी यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, जो भी टेनेंट्स हैं, वो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ग्रीवेंसेज हैं, वो डाल सकते हैं, और ये उनको विदिन 24 आवर ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और जितनी भी मेंटेनेंस की हमारे यहाँ पे दिक्कत आती है, हमें बस इनको बताना है फ्री ऑफ कॉस्ट, जितना भी होता है, चाहे लाइट है या एसी रिपेयर है या गीजर है, वो सब लोग ये कर लेते हैं मैनेज। कितने पैसे देते हो? मेरा रेंट अभी है यहाँ पे 17,000 रुपीज एसी रूम का। ओके, एसी रूम का, और जिसका एसी नहीं है वो शायद कम है इससे, 15,000 देते हैं। हाँ, खाने में कोई दिक्कत? खाने की सबसे अच्छी चीज जो है, देखो टेस्ट जो है वो हर बंदे का अपने हिसाब से होता है, बट सबसे अच्छी चीज जो है कि यहाँ का हाइजीनिक फूड है, आप बीमार कभी नहीं पड़ोगे। मैं 3 साल से रह रहा हूँ 2021 से, और एक बार भी ऐसा टचवुड नहीं हुआ कि यहाँ के खाने के कारण मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई। बाकी टेस्ट जो है आपको पता है, स्पाइसेस, नमक, वो सब अपने हर बंदे के हिसाब से वेरी करता है, बट हाइजीन क्वालिटी और जहाँ पे जो इनके यूटेंसिल्स है वो भी प्रॉपर क्लीन रहता है और हाइजीनिक फूड है, कभी खाके बीमार नहीं होगा, कभी ब्लोटिंग नहीं होगी, वॉमिटिंग नहीं होगी, फूड पॉइजनिंग ऐसा नहीं होगा जो कि बाकी जो मेस का फूड होता है वो उस तरह का रहता है। ठीक है, फाइनल रिव्यू अगर उन एस्पिरेंट के लिए या उन स्टूडेंट के लिए जो यहाँ आना चाहते हैं, कोई डाउट रखें या आ सकते हैं? अब देखो, अब डाउट एक ही रहेगा, आपकी अगर पॉकेट अलाउ करती है तो जरूर ये चूज करना चाहिए, अगर आपकी रेंज में है कोई दिक्कत नहीं, अगर आपकी रेंज में है फाइनेंशियली, आप इनको पे कर सकते हो इतना, तो ये बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। ओके, पूरे मुखर्जी नगर का जो सर्कल है इसमें ये सेफ्टी सिक्योरिटी ठीक है, देख लो नीचे कैमरास लगे हुए हैं, और वो भी है
कोड है, अब गेट तभी खुलेगा जब आप कोड एंटर करोगे, और गार्ड 24/7 रहता ही है यहाँ पे। ओके सर, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। तो फाइनली अपने इस पूरे टूर को अगर समराइज करें तो मेरे साथ ओनर हैं पीजी के, और साथ ही जो भाई यहाँ पे मैनेज करते हैं वो भी हैं। इनसे डिटेल बात करेंगे, जो भी डाउट्स रह गए थे वो सीधे मैं कट टू कट पूछूंगा। तो पहले तो आप बताएं कि कब से पीजी चला रहे हैं आप? हमने जो पीजी स्टार्ट किया था वो 2016 से हम कर रहे हैं। ओके, 2016 से। तो ये आइडिया आपका खुद का रहा, क्योंकि ऐसी जो आपने पीजी का फॉर्मेट किया हुआ है मुखर्जी नगर में ज्यादातर नहीं मिलता है, तो ये आइडिया किसका था ऐसा? 2016 में हमने स्टार्ट किया था ऑटोम लाइन से, यहाँ पे हमने 2017 में स्टार्ट किया। ओके। तो जब 2017 में स्टार्ट किया और तब मैं ही मतलब सारे ऑपरेशंस जितने थे, सेल करना, लोगों को लाना, सपोर्ट, सब मैं ही देखता था। ओके। तो मैंने जब एस्पिरेंट से इंटरेक्ट किया तो जाना कि कहीं ना कहीं पीजी में कहीं गैप है, जो नॉर्मल पीजी है उससे हम अपने को कैसे डिफरेंशिएट करें, हम प्रोडक्ट कैसे बेटर दे कस्टमर को, इसी पे हमारा फोकस रहता है। ओके, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट आपके मुंह से जानना चाहूंगा, थोड़ा सा पीजी का रूम रेंट बताएं आप सीधे सीधे, कि एसी वाला भी, नॉन एसी वाला भी, सिंगल का भी, शेयरिंग का भी। तो ट्विन शेयरिंग जो हमारा है वो 12,000 रुपए से स्टार्ट होता है। ओके। और 13,000 का जाता है। 12,000 में नॉन बैल्कनी है, 13,000 में बैल्कनी रूम मिल जाता है ट्विन शेयरिंग। ओके, उसमें एसी मिलेगा? हाँ, एसी मिलेगा। ओके। और एसी, स्टडी टेबल, बेडशीट, पिल्लो, कॉमन फ्लोर, कबर्ड वगैरह सारा, बेड टेबल, गद्दा, सब चीज ठीक है। और आपका सिंगल का? सिंगल का जो प्राइस है वो 14,000 से स्टार्ट हो जाता है, ये नॉन एसी का प्राइस है।